السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आज हमारा लेसन नंबर 29 है और इसमें हम आज प्रेजेंट टेंस इन जुमला इस्मिया मीनिंग के एक सेंटेंस स्टार्ट जुमला इस्मिया से हो रहा है और अब उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स आर जुमला फेलिया, ये आज हम देखेंगे. इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमने टच कर लिया था लास्ट क्लास में, लेकिन आज सूरत मुनाफिकून में भी कुछ इस किस्म की एग्जाम्पल हैं, तो हम इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे. तो प्रेजेंट टेंस इन जो इस्मिया एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल कियामती. अब इसमें फल्लाहु, फा हमें पता है कि ये अतफ है, राइट. द वर्ड अल्लाह, ये इसम है या फेल है, कोई बताएगा? इसम है. तो इसका मतलब है कि हम जुमला इस्मिया में है, राइट. वी आर लुकिंग एट जुमला इस्मिया. अच्छा, अब जुमला इस्मिया में हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? मुब्तदा, खबर और एम्बिके, ठीक है. अब हमें खबर चाहिए, लेकिन आगे क्या है? याहकुमु. याहकुमु किस किस्म का वर्ड है? इसम, फेल, हर्फ? फेल. फेल. कैसे पता चल रहा है? याहकुमु फेल मजारे. हाँ जी, या से हमें पता चल रहा है कि ये फेल मुदारे है, ठीक है. अब ये फेल आ गया, हम तो हमें तो कोई इसम चाहिए था जो कि खबर बनता, राइट, या हमें कोई एम बी के चाहिए था, जार मजरूर फ्रेगमेंट चाहिए थी. लेकिन ये तो जो है जुमला फेलिया पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है. तो बेसिकली क्या होता है समटाइम्स के वी हैव मुब्तदा, लेकिन उसकी खबर जो है दैट कैन बी जुमला फेलिया. तो दिस इज द केस ओवर हियर. फल्लाहु हम इसको कहेंगे कि फा जो है वो अतफ है, द वर्ड अल्लाह हमारा मुब्तदा हो गया. यहकुमु, याहकुमु जो है वो रिलेटेड है बैनाहुम से, राइट. ही विल जज बैनाहुम अमंग देम योमुल कियामती ऑन द डे ऑफ जजमेंट. पूरा एक जुमला इस फेलिया है ये, राइट. तो ये पूरा जुमला फेलिया जो है वो हमारी खबर बन रहा है, ठीक है. ये पूरा जुमला फेलिया हमारी खबर बन रहा है. फिर हम इस खबर को फर्दर डाइसेक्ट करेंगे और हम कहेंगे याहकुमु फेलुन मुदारेउन फाइलुहु, कोई बताएगा? फाइलुहु हुआ, ठीक है. और बैना हुम को क्या हम देंगे लेबल? बैना, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज बैना? प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मफूल फी ही बोल सकते हैं हम लोग. बैना, बैना बिटवीन देम, राइट. बिटवीन देम और ये फिर इदाफा फ्रेगमेंट बन रहा है, और इसको लेबल हम किसका देंगे?
नॉट मफूल का देंगे, ठीक है, नॉट मफूल उन फी ही, क्योंकि ये जगह को तो नहीं बता रहा, मफूल फी ही जो है वो when and where को बताता है, का आंसर देता है, तो बैनहुम बिटवीन देम, सो बेसिकली पोजीशन बता रहा है, राइट, तो इसलिए ये स्पेशल मुताफ हुआ और इसको हम मफूलुन बिही का जो है वो लेबल देंगे. और फिर यौमल कियामा, यौमा है यहाँ पे, राइट, यौमा, इट ये यौमी भी हो सकता था, यौमू भी हो सकता था, वाई यौमा, राइट, क्योंकि ये अगेन मफूल बन रहा है, यौमल कियामती ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो ये हमें अब उसका आंसर दे रहा है व्हेन, तो ये मफूलुन फी ही हो गया. ठीक है, तो वी हैव एग्जांपल कि यहाँ पे जुमला स्टार्ट जो है वो इसम से हो रहा है और उसकी खबर जो है वो जुमला फेलिया बन रही है, और फिर हम पूरे सेंटेंस को, पूरे जुमला फेलिया को एज ए खबर का लेबल दे के फिर हम उसको फर्दर डाइसेक्ट कर सकते हैं, और उसमें हम फेल, फाइल, मफूल, जितने भी मफूल होंगे उन सबको वो देख सकते हैं. ठीक है, तो एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस एग्जांपल? उस्तादा डाउट जी, व्हाट्स दैट, क्या है डाउट आपका? बाइना हूँ, बाइना स्पेशल मुदाफ, ओके, तो एमपीएफ हो सकता है ना उस्तादा, स्पेशल मुदाफ. स्पेशल मुदाफ हम नहीं, हमने जो है ना वो जर्फ को, जर्फ फ्रेगमेंट को हम जो है ना, हाँ, जर्फ जो है वो टाइम एंड प्लेस को, और ये भी बेसिकली पोजीशन ही बता रहा है. यस, वी कैन से दैट, हम इसको एमबीएफ का भी लेबल दे सकते हैं, और एमबीएफ आप अभी देखेंगे, हमने बल्कि पढ़ लिया हुआ है ना कि वो एमबीएफ बेसिकली समटाइम्स मफूल ही होता है. जी जी, हाँ, राइट, तो एम बी एफ भी मफूल ही हो सकता है, क्योंकि अब याहकुमू के साथ जो है ना वो बैना का आना मस्ट है, अदरवाइज ये जो है, ये हुम जो है ना वो उसका मफूल वहां पे डायरेक्ट उसके साथ अटैच हो सकता था, लेकिन बैना को उसके साथ आना है, क्योंकि जब भी याहकुमू किसी के दरमियान जजमेंट करना होगा तो बैना मस्ट आएगा, राइट, तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो यस, हम इसको एम बी एफ का लेबल भी दे सकते हैं और जस्ट मफूल भी ही भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा. ठीक है, ओके, अच्छा, आज हमने थोड़ी सी सूरह मुनाफिकून की कुछ आयतें देखनी थी, क्योंकि कुछ उसमें एग्जांपल्स हैं इस तरह से कि वो जो है ना स्टार्ट जुमला इस्मिया से हो रहा है और आगे उसकी खबर जो है वो जुमला फेली है. तो इससे पहले कि हम सूरत शुरू करें, और आपको पता है कि मुनाफ़कत जो है वो एक क्या कहते हैं, बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ डिज़ीज़, हार्ट डिज़ीज़ हम है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मेंशन किया है, और अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा काफिर को भी नहीं मेंशन किया जितना मुनाफिक की ट्रेड्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किए हैं कुरान पाक में, वाई, ताकि हम उनमें से नाम बने, राइट. तो इससे पहले कि हम शुरू करें अपनी सूरत, पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन कुफर, शिर्क और मुनाफकत. जो कुफर करता है उसको हम काफिर कहते हैं, राइट, जो शिर्क करता है उसको हम मुशरिक कहते हैं, और जो जिसके अंदर मुनाफ़कत होती है वो मुनाफिक है. तो ये काफिर, मुशरिक और मुनाफिक क्या इनके अंदर डिफरेंस है? काफिर कौन होता है, कोई बताएगा? काफिर वो शख्स होता है जो दीन को पहचान ले और फिर उसका इनकार कर दे. काफिर मनकिरे दीन होता है, जो दीन को ईमान उसके दिल में होता ही नहीं, तौहीद उसके दिल में होती है. एग्जैक्टली, वो तो एक तरफ हो गया, ठीक है, उसने तो बस इनकार कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया और दैट्स इट. वो भी काफिर है जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, उसको भी जैसे काफिर कहेंगे जो अल्लाह के. हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं कि काफिर कौन है,
جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, رائٹ, اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ, ایمان نہیں لاتا, ایمان کا, ٹھیک ہے, وہ کافر ہو گیا. تو یہ تو معاملہ ایک طرف ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بلیورز کی ڈیفینیشن بتائی, ٹھیک ہے, اس میں تین چار آیتیں ہیں, پھر اس کے بعد کافر کی میرا خیال ہے دو تین آیتیں ہیں, لیکن جو منافق ہے اس کی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ کتنی ڈیٹیل سے ہر چیز بتائی ہے. تو کافر کا معاملہ ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹلی اس نے ڈینائی کر دیا, دیٹس اٹ. اچھا مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک جو ہے شرک, جو شرک کرتا ہے, شرک کرتا ہے, ایسی باتیں جو بنا کیا گیا ہے اسلام کے لحاظ سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات الہ بنا دیتا ہے بہت سارے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ایک مسلم مشرک ہو سکتا ہے؟ اسلام کو ڈینائی کر رہا ہے, اس نے اپنے نفس کی غلامی اختیار کی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ایک مسلم بھی مشرک ہو سکتا ہے. اب یہ ایک الگ سٹوری ہے, اسے انف نالج نہ ہو, اسے پتا نہ ہو, رائٹ. تو اسی لیے اپنے دین کا نالج سیکھنا از مسٹ, رائٹ. اگر ہم ہو سکتا ہے مگر ایکشن سے مشرک ہوتا ہے, وہی کال اور عمل میں فرق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو اب وہ اب اس میں دیکھیں کہ ایک مسلم جو ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا اس کو انف نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس نے شرک کر دیا, لیکن اس کو کسی نے سمجھا دیا کہ یہ جو ہے نا وہ دیٹ کین گو ان دا کیٹیگری آف شرک, اس نے اپنے آپ کو اس سے جو ہے نا ہٹا لیا اس کام سے, ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں, یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. تو ٹھیک ہے, اس نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس جو شرک کیے چلا جا رہا ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرو, دیٹ از ناٹ ان دا کیٹیگری آف مسلم, رائٹ, یہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے, لیکن وہ نہیں باز آ رہا اور وہ اسی پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ہی گونا کاؤنٹ ایز کافر. تو ایک مشرک جو ہے مسلم ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو فکس نہیں کیا, ہی گونا ڈائی ایز کافر. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ مشرک کو کافر کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد منافق کون ہوتا ہے؟ منافق بھی ایمان والا ہوتا ہے, لیکن اس کے قول و عمل میں فرق ہوتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن وہ اس کے بولتے نا زبان سے, آج کا مسلمان آپ کہہ لیں, بیسیکلی آج کا مسلمان ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی, ہم نے زکات دے دی, آج اگر زندگی میں ایک دفعہ چلے ہم نے کر لیا, دیٹس اٹ, ہم مسلمان ہیں, پھر باقی کی زندگی میں جو مرضی کرتے پھر ہم, رائٹ. تو دس از منافقت. منافق جو ہے نا یہ ورڈ نکلا ہے نافقہ سے, نون فا اینڈ کاف, نافقہ. نافقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ جو لیزرڈ ہوتی ہے ڈیزرٹ کے اندر, وہ جب اپنا ہاؤس یا جو بھی ہول بناتی ہے نا, تو اس کے کائنڈ آف دو ڈور رکھتی ہے, یہ انٹرنس ہے اور دوسری طرف اینڈ پہ وہ جو ہے ایگزٹ رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے دیکھا کہ اس کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو وہ یہاں سے انٹر ہوئی اور وہاں سے نکل گئی. تو یہ نافقہ سے ہی منافق ورڈ آ رہا ہے, رائٹ. تو وہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اپنی دو آپشنز اوپن رکھتا ہے. حالات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے, آئی ایم محمد, آئی ایم کیا کہتے ہیں احمد. اگر حالات خراب ہوئے تو محمد جو ہے وہ مو بن گیا یا کچھ اور بن گیا, رائٹ, نام ہی چینج ہو گئے, ٹھیک. تو دیٹ از منافقت. اور منافق کے ہمیں ہمارے پیارے نبی نے چار نشانیاں بھی بتائی ہوئی ہیں, فور ٹریٹس, ان میں سے اگر ایک ہے
तो वो जो है ना वो छोटी काइंड ऑफ कैटेगरी का मुनाफिक है, और अगर चारों हैं तो फिर तो ये एक खतरे की बहुत बड़ी बेल है। कौन सी हैं चार निशानियां मुनाफिक की? बात करें टीचर मैं बताऊं, बात करें तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत रखाई जाए तो उसकी खयानत करे। एक और भी है, एक और बात करे गाली गलौज पे लड़ाई हो तो एग्जैक्टली जब वो लड़ता है तो वो फिर आउट ऑफ वे जाके बदतमीजी और सब कुछ, राइट? तो ये जो है ना, और ये कोई इतनी क्या कहते हैं, आज की जिंदगी में हम देखें तो इतनी कोई मायूबा तो कोई इसमें से कोई भी नहीं समझी जाती। हम झूठ भी बोलते हैं, हम जो है ना वो कोई हमसे किसी का प्रॉमिस, किसी ने हमें कोई अपना सीक्रेट बताया वो भी हम किसी को दूसरे को बता के, बस ये बस बताना ना किसी को, ठीक है, पूरी दुनिया में फैला दिया यही कह के कि बस बताना ना किसी को, राइट? खयानत भी कर लेते हैं आराम से, कोई दिल नहीं दहलता हमारा। और इसको तो बड़ा अच्छा समझा जाता है कि जब आप किसी को जो है ना वो रख रख के जवाब दे सके तो आपकी तो बड़ी टोर बनी हुई होती है लोगों के अंदर के ये यार ये तो सीधा रखता है सबको, राइट? तो ये तो सारी निशानियां अल्लाह ताला माफ करे हमें। और एक जो है ना ये आप आयते मैंने यहाँ पे रखी हैं देखने के लिए, और ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा यानी एक पार्ट लिया, अदरवाइज अगर आप उसमें डिक्शनरी में ये जो है कौन सी वेबसाइट है ये कॉर्पस कुरान, उसमें जस्ट वर्ड नाफा का डालेंगी तो देखना कितनी आयतें आती हैं, और उन सारी आयतों को जरा पढ़ें तो रोंगटे खड़े होना शुरू होते हैं, राइट? अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाली देखें, इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मुनाफिक और काफिरीन यानी दोनों को एक ही कैटेगरी में अल्लाह ताला काउंट कर रहे हैं, इन दो को इकट्ठा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं जहन्नम में डालूंगा, नाउज़बिल्ला, राइट? तो ये मुनाफिक जो है अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काफिर की कैटेगरी में चला जाता है। चले इंशाल्लाह ये छोटा सा एक हमारा लिया ये ओपनर था कि हमें पता तो हो के, और आपको पता कि हजरत अबू बकर सॉरी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई भी मुनाफिकत से जो है ना वो क्या कहते हैं पाक नहीं हो सकता। अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज सो वरीड कि मेरे अंदर तो मुनाफिकत नहीं है तो हमें तो कोई चैन से नहीं है कि हम सोचें, हम दूसरों के बारे में तो सोच लेते हैं आसानी से, राइट? कोई भी हम ट्रेट देखते हैं या कोई आया सुनते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये तो उस पर फिट हो रही है, लेकिन हमें अपना आप नजर नहीं आ रहा होता, तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है और जहाँ जहाँ गलती है उनको फिक्स करने की जरूरत है। तो सूरत मुनाफिकून शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा अकल मुनाफिकूना, सिर्फ इतने पार्ट को पहले लेंगे। इज़ा जो है वो इसको आप कहेंगे कि ये ज़र्फ भी एक तो होता है क्योंकि इज़ा का मतलब है वैन, ठीक है, और अगर जब हम इसको वैन के मीनिंग में कुरान में आ रहा है तो हम इसको ज़र्फ लेंगे, राइट? और अगर ये ज़र्फ है तो हमें क्या चाहिए होगा उसके बाद? मुदाफिले ही चाहिए होगा, राइट? और इंटरेस्टिंग थिंग इज के जा आका जुमला फेलिया है, अगर हम इसको अगर यहाँ पे तो यहाँ पे ज़र्फ के मीनिंग में आ रहा है कि जब आप ये मुनाफिकीन आपके पास आएंगे तो ये ज़र्फ के मीनिंग में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ हम इसको इज़ा एज ए ज़र्फ ले रहे हैं, वैसे इज़ा जो है वो एज ए शर्त भी आ सकता है जो कि हम अभी बाद में सीखेंगे, जस्ट ड्रॉपिंग ऑन यू, ठीक है। तो ये शर्त भी एज ए टूल ऑफ शर्त भी इसको समझ लें, और जस्ट सिंपल ज़र्फ का क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है और यहाँ पे ये यूज भी एज ए ज़र्फ हो रहा है, तो अगर ये ज़र्फ है तो इसको हमने कहा कि हमें मुदाफिले ही रिक्वायर्ड है, तो कहाँ है इसका मुदाफिले ही? जा कल मुनाफिक होना, सुभान अल्लाह, जुमला फेलिया कमिंग एज ए मुदाफिले ही,
तो इसका क्या स्टेटस, यानी इस फिर हम क्या कहेंगे इसको, क्योंकि स्टेटस तो नहीं शो करेगा, ये तो पूरा जुमला फेल ही है। फिर हम इसको कहेंगे फी महली जर। क्यों जर है, वाय फी महली जर, क्योंकि मुदाफ अलैह जर होना चाहिए। यस, फी महली जर मुदाफ अलैह। सी सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जा का के बारे में क्या आप लोग बताएंगे? वो पेपर वो पेज में देख नहीं सक रही सर, जा का सब देख सक रहे? क्या हुआ, क्यों नहीं देख सक रहे? जी अब सही। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ जी, तो हमने कहा कि ये ज़र्फ है, ठीक है, ज़र्फ को जो है वो मुदाफ़ इलैह ही रिक्वायर्ड होता है, तो ये पूरा जुमला फेलिया जा कल मुनाफिकूना, ये इसका मुदाफ़ इलैह ही है। अब जा का को कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे? टीचर मैं बताऊं, फेले मादी पालो हुआ, काफ जो है मफूल बेही। वेरी गुड। और मुनाफिकूना जो है वो मुनाफिक आउटसाइड डुअर हो जाएगा ये मुनाफिक। वेरी गुड very good very good, so this is the basically the file of ja, theek hai? Yes, file of ja, file of ja, very good, mashallah. Acha ye part ho gaya, aur iski kya translation hogi? Jab aate hain tere paas munafiq, tere paas jab munafiq aate hain, yahan pe meaning aayega aayenge, aaye, theek hai, ye haan ji, jab ye aapko pata hai ki आएंगे के मीनिंग में आएगा ये, ठीक है। अल्लाह ताला बिफोर हैंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि ये होने वाला है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आने आएंगे के मीनिंग में आएगा, फ्यूचर के मीनिंग। सिस्टर एक क्वेश्चन है जी, इज़ा अगर आप इसको ले रहे हैं ज़र्फ ज़मा एंड देन ये मुदाफ़ लही है, तो ये क्या मुब्तदा हो जाएगा? इदाफा बन गया, इदाफा कुड बी मुब्तदा? नहीं, इदाफा जो है, नहीं इदाफा, ये ज़र्फ फ्रेगमेंट जो है ना, कभी भी इदाफा नहीं, वो मुब्तदा नहीं बनती। ठीक है, वो क्या होती है, MBF, तो उसको हम कह सकते हैं MBK या MBF, राइट? जी हाँ, तो वो मुब्तदा नहीं हो सकती। ओके, देन इट इज जुमला फेलियर बेसिकली। हाँ जी, ठीक है, तो हम इसकी क्या ट्रांसलेशन क्या कर रहे थे? जब आएंगे तेरे पास मुनाफिक, हम मुनाफिकून को पहले फाइल को क्यों नहीं ले लेते हैं? जब मुनाफिक आपके पास आएंगे, ठीक है, तो फाइल को हम पहले ला सकते हैं ट्रांसलेशन में, दिस इज हाउ इट वर्क। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, कालू। अब यहाँ पे इवन तो ये पास्ट है, और हमें लास्ट टाइम भी एक दफा बात हुई थी कि क्यों अल्लाह ताला पास्ट यूज करते हैं, क़यामत के सीन के लिए भी अल्लाह ताला पास्ट यूज करते हैं, यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कालू नशहदु, वो ट्रांसलेशन होगी यहाँ पे वो कहेंगे, यानी फ्यूचर में हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पे कालू, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो इट्स लाइक अ डन डील, अल्लाह सुभान व तआला कह रहे हैं कि ये होगा, ये इस तरह से है जैसे पास्ट में कोई वाकया हो चुका हो तो उसको आप अंडू नहीं कर सकते, राइट? तो इस सेंस में ये यहाँ पे कालू दे विल से क्या कहेंगे वो, नशहदु। अच्छा, आप कालू आया है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मकूलुल कौल, वेरी गुड, ठीक है, सो कालू हम इसको कहेंगे फेलुन मादिन फाइलुहुम, और अब इसका मकूलुल कौल क्या है, ये नशादु, ठीक है, ये नशादु इसका मकूलुल कौल हो गया, और फिर मजीद हम क्या कहेंगे मकूलुल कौल है, ये जब मैं बड़ी करती हूँ ना स्क्रीन तो फिर मुझे, मैं लिख नहीं सकती हूँ, इस वजह से जो है ना मैं इसको थोड़ा छोटा रखना चाहती हूँ,
क्योंकि ये फिर मुझे लिखने नहीं देता। अच्छा तो ये इसका हम नशादु हम इसको कहेंगे मकूलुल कौल, और आगे आगे एक और भी है कुछ और भी इसके साथ कहना है हमें, वो क्या है फेल मजारे फिले फी महले नसब मफूल भी। वेरी गुड, फी महली नसब मफूल भी, मफूल भी, वेरी गुड। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है, मकूलुल कौल फी महली नसब मफूलुन बिही। ये क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इस फ्रेज का क्या मतलब है? मकूलुल कौल सैड स्टेटमेंट जिसका स्टेटस जो है वो नसब होना चाहिए और वो मफूलुन बिही है, ठीक है। ये दिखा तो नहीं रहा ना नशादो के ये मफूलुन वो यानी मफूल है या क्या है, राइट। तो जब ये सिचुएशन होती है तो फिर हमें ये फ्रेज ऐड करनी पड़ती है। सो मकूलुल कौल जब भी काला या उसका कोई भी वर्जन आएगा उसके बाद जो भी सेंटेंस जो भी स्टेटमेंट होगी दैट इज कॉल्ड मकूलुल कौल, और मकूलुल कौल हमेशा जो है वो फी महली नसब होता है क्योंकि वो मफूलुन बिही होता है। क्यों मफूलुन बिही होता है? कालू दे सैड, दे सैड व्हाट, ठीक है। तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है और ये व्हाट और हु का आंसर हमेशा मफूलुन बिही का लेबल लेता है, ठीक है, याद है ना ये सारा। तो कालू दे विल से नशादु वी टेस्टिफाई, ठीक है। इसको जरा करें नशादु को कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे? नशदु को मैं बताऊं, नशदु इज अ फेल मदार है, फाइलहु नहनो, वी विटनेस, उसके बाद वी विटनेस, ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई जी। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन्ना काला रसूलुल्लाह। अब ये बेसिकली नशदु वी टेस्टिफाई, अब वो क्या टेस्टिफाई कर रहे हैं, तो बेसिकली ये भी उसी का पार्ट ही है, राइट। We testify, क्या testify हो रहा है? इन्ना का ला रसूलुल्लाह, तो इन्ना का क्या, इसको जरा कहने ब्रेक डाउन दे मुझे, इन्ना का ला रसूलुल्लाह। इन्ना का जो है हर्फ नसब है, और जो का है ये मफूल का जो है वो उसका इसमें इन्ना है, ला है ला में तौकीद, रसूलु जो है लाइट है, तो ये है मुदाफ, एन अल्लाह ही जो है मुदाफ लही, द वर्ड अल्लाह इस मुदाफ लही। अच्छा तो अब इन्ना का क्या बन गया हमारा? मुब्तदा, और ये खबर बन गई, खबर इन्ना, ला रसूलुल्लाह खबर इन्ना हो गई, वेरी गुड। और अब ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, इन्ना का ला रसूलुल्लाह, ये जुमला इस्मिया हो गया ना? वो तो हो गया, लेकिन इसका पीछे से भी कोई ताल्लुक है? ओ या ये तो आई थिंक नशदु इन्ना का ला रसूलुल्लाह ही, ये पूरा का पूरा जुमला फेलिया है, और जुमला इस्मिया इज कमिंग एज अ मफूल बिही फॉर नशदु। जी नशदु दे टेस्टिफाई, दे टेस्टिफाई व्हाट, राइट। इन्ना का ला रसूलुल्लाह इस्मिया जो है वो बेसिकली मफूलुन बिही फी महली नसब, जो है ना ये मफूलुन बिही बन रहा है उसका, राइट राइट। तो ये पूरा का पूरा मकूलुल कौल होगा फ्रॉम नशदु इन्ना का रसूलुल्लाह। हाँ जी हाँ जी, हम पूरे को भी कह सकते हैं कि द होल थिंग इज मकूलुल कौल फी महली नसब, और फिर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं मकूलुल कौल को, और हम कहेंगे कि ये नशदु जो है वो फेल मुदारिया हो गया, ठीक है। और फिर फेल मुदारिया में अब ये हमें फेल और फाइल तो मिल गया, लेकिन हमें मफूल भी जो है ना चाहिए, राइट, और वो इन्ना काला रसूलुल्लाह उसका मफूल हो गया, राइट राइट, जज़ाकअल्लाह। सी हाउ माशाल्लाह थिंग्स आर वेल कनेक्टेड, और जब हम ये सारी इस तरह से उसको समझेंगे और हमें आर्ट आ जाएगा कि कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, कैसे उसको समझना है, तो इंशाल्लाह कुरान विल ओपन अप ऑन अस, सुभानअल्लाह। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वल्लाहु
يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. ہاں جی صرف اتنے پارٹ کو کریں آپ, کون کرے گا؟ Someone different please. استاد آئی ٹرائی. ہم کین آئی ٹرائی؟ وَاللَّهُ وَاوْ از حرف عطف, اللہُ از رفع سٹیٹس سو اٹ از مبتدا. يَعْلَمُ Yalamus fele mudare. And failuhu. Failuhu huwa. And then but it's coming as a khabar. Very good. Very good. Aage bhi karna hai. Innaka la rasul. Innaka rasulul innaka la rasulul رسول. انا از اگین مبتدا اینڈ کا از مفعول بی. کا کیا اسم مفعول؟ نو اسم انا بولے نا, اسم انا. ہاں انا پلس اسم انا تو یہ ٹوگیدر کیا بن رہے ہیں؟ اسم انا. اوکے دین انا پلس اسم انا ٹوگیدر دے ار بیکمنگ مبتدا رائٹ. حرف نصب ہے نا, انا پلس اسم انا حرف نصب. ہاں جی انا حرف نصب اور اس کا اسم ٹوگیدر دے آر میکنگ مبتدا رائٹ. مبتدا ہاں جی ٹھیک ہے. اب آگے دین لی رسولو لا رسولو سو اٹ از ایمفسائز لا اینڈ والله يعلم انك رسول so it is pointed out towards rasulullah so it will be khabar because of our status. Very good. So la rasuluhu is the khabar of inna. Perfect. Ab ye whole jumla ismi inna ka la rasuluhu ka koi relation hai piche yalamu se? والله يعلم. Ha relation hai of course. Kaise? اللہ سبحانہ وتعالی ہی نوز. ایک تو یہاں پہ ایمفسس ہے ٹھیک ہے, پہلے یہاں پہ اسم یوز ہوا ہے رائٹ اللہ اللہ, پھر یعلم کے اندر جو ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے تو یہ ویری ایمفسائز سینٹینس ہے. اللہ اللہ ہی نوز وٹ Indeed, he is Rasooluhu, ke aap Allah ke Rasool hain. To ye word ka answer hame mil raha hai na, to ye kya hua jumla ismiya, ki kya role play kar raha hai ye pura jumla ismiya? Ha, dekhen hame yaalamu mein fail aur fail mil gaya, hame aur kya cheez chahiye hoti hai jumla failiya mein? Maful. مفعول چاہیے ہوتا ہے رائٹ. مفعول. اب یہ مفعول ہمیں کس کون سا آنسر دے رہا ہے؟ یعلم اللہ نوز. اللہ نوز واٹ؟ انکا اکا از مفعول. ہاں تو یہ پورا سینٹینس کیا رول پلے کر رہا ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمیں واٹ کا آنسر دے رہا ہے. اللہ نوز واٹ, کہ اللہ نوز کہ یو آر مائی رسول رائٹ. سو یہ مفعول بھی جو ہے وہ اس کا یعلم کا بن رہا ہے. انا کل رسول ہو ٹھیک ہے. سمجھ آیا؟ جی جی سمجھ آیا. جزاک اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. واللہ اینڈ اللہ یشہدو, اگین یہاں پہ بھی ڈبل ایمفسس ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ ہے اور پھر اس کے بعد یشہدو میں جو ہے نا وہ اگین ہوا ورژن ہے, تو یہ دو دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ریفر ہو رہا ہے رائٹ. واللہ یشہد, اللہ نوز اینڈ ہی از ٹیسٹیفائنگ. کیا ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان المنافقین لکاذبون. یہ دیکھ لیں سملر جو ہے نا وہ تین چار سینٹینسز اسی رینج میں آ رہے ہیں, تو دیٹس اے گڈ پریکٹس فور اس ٹھیک ہے. ہاں جی یشہد کیسے اس کو بریک ڈاؤن کریں گے ہم؟ پہلے تو واللہ مبتدا ہے, یشہدو اس کی خبر ہو گئی رائٹ, جملہ فعلیہ کمنگ ایز اے خبر. اب اس یشہدو کو فردر بریک ڈاؤن کریں گے,
جلدی سے. یشہدو فیل. کون سا فیل؟ مدارع. پورا بولیں. فیلون مدارع فائلہ ہوا. پہلے مدارع فائلہ ہوا. ہوا اللہ کے اوپر وہ ہوتا ہے نا. ہوا از گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان اسم حرف نصب المنافقین اسمها منافقنا اسمها اسم ان اور اسمها. ویری گڈ. اینڈ آگے کا میں نہیں دیکھ سکتی. ان المنافقین ہم الکاذبون. یہ ان المنافقون. ہاں جی الکاذبون. یہ والا لام ہے جی. جی ہاں جی بولیں. سوری لام توکیدی. کاذبون جو ہے وہ نصب کی اس میں تو فائل ہے. کاذبون نصب ہے؟ نو فائل وہ نہیں ہے, وہ مفعول ہے. کاذبون نصب آپ بول رہے ہیں, یہ نصب ہے. کاذبون رفع میں ہے. کاذبون رفع میں. کیسے نصب میں کیسے ہے پہلے تو مجھے یہ ایکسپلین کریں پلیز. منافقین نہ کاذبون. اچھا اس میں جر لام آ گیا نا. کس میں؟ دس از ناٹ لام آف حرف جر از اٹ؟ اگر یہ لام آف حرف جر ہوتا تو یہ لی ہوتا, ناٹ لا. ٹھیک ہے. اور یہ کاذبون, ذرا مجھے یہ ایکسپلین کریں کہ کاذبون کیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ نصب ہے؟ اچھا نہیں نصب نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے لاسٹ حرکہ کو دیکھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں رفع میں غلطی ہوئی. مسلمون. یس یس ٹھیک ہے. تو لکاذبون یہ بیسیکلی رفع ہے جی. اگر یہ رفع ہے تو اور یہ وہ بھی ہے کامن بھی ہے ٹھیک ہے, اس پہ ال بھی نہیں لگا ہوا تو پرفیکٹلی یہ ہماری خبر کے لیے کوالیفائی کر رہی ہے. سو ان المنافقین, انا اور اس کا اسم جو ہے وہ ٹوگیدر مبتدا بن رہے ہیں اور لکاذبون اس کی خبر ہو گئی ہے جی. اب اس کا یشہدو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یشہدو خبر ہے, باقی اس کی نہیں. یہ والا یشہدو جو یہ یہاں پہ واللہ یشہدو جی, اس کا یہ ان المنافقین لکاذبون اس کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ کیسے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ بتا رہے ہیں یشہدو. تو اس کو لیبل کیا دیں گے ہم؟ یشہدو خبر اور لیبل کیا دیں؟ وہ تو مبتدا خبر وہ تو اکٹھے تھے نا رائٹ. یہ مبتدا خبر یہ تو اس کا ایک رول تھا. اب سیکنڈ رول کیا ہے کہ یہ فیل اور فائل ہے رائٹ. یشہدو فیل اور فائل ہے, اس کا اندر جو ہوا ہے وہ اس کا فائل ہے رائٹ. ہمیں جملہ فعلیہ میں فعل فاعل اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مفعول. مفعول. تو اب ڈو یو تھنک ان المنافقین لکاذبون کڈ بی مفعول فار یشہدو؟ ہو سکتا ہے نا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ منافقین کاذبون. ٹھیک ہے, وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں وہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ دے آر لائرز. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا اگین کیونکہ وہ شو نہیں کرے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فی محلی نصب. یہ پورا جملہ اسمیہ, یو کین سے جملہ اسمیہ فی محلی نصب مفعول بہ. تو یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ مفعول بہ بن رہا ہے اس کا. کس کا؟ یشہدو کا. ٹھیک ہے, مزہ آ رہا جی؟ تھوڑا مشکل لگا, اس کو پورا بریک کریں گے رائٹ. پریکٹس کی ضرورت ہے ورنہ ادروائز. ابھی تو ہم نے یہ تین چار سینٹینسز ایک ہی رو میں ایک ہی طرح کے کر رہے ہیں سبحان اللہ. دیٹس اے گریٹ پریکٹس. ٹھیک ہے, اب اس کو پوری آیا کو کون کرے گا ٹرانسلیٹ؟ پوری آیا ہاں پوری آیا میں کرتی ہوں.
इज़ा जब जा कल मुनाफिकुना जब आए आपके पास मुनाफिकुन और उन्होंने कहा कालू नशदु इन्नका रसूलुल्लाही कि हम गवाही देते हैं, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला जानता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है इन्नका बेशक आप लरसूलुहु उसके रसूल हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला यशहदु गवाही देता है इन्नल मुनाफिकीना बेशक बेशक मुनाफिकीन जो है लकाज़िबुन यकीनन वो इनकार करने वाले हैं या झूठे हैं, इनकार करने वाले नहीं झूठे हैं, क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं? उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं यहाँ पे की, तो क्यों अल्लाह ताला उनको यहाँ पे लेबल दे रहे हैं काज़िबून का? हिपोक्रेसी की वजह से ना, हाँ क्योंकि वो मुंह से तो बोल रहे हैं, हाँ कह कुछ रहे हैं और दिल में कुछ है उनके, हिपोक्रेसी है, ठीक है ना, ठीक है, आप अल्लाह के रसूल हैं राइट, हम जानो क्या कहते हैं जान निसार आप पे, जैसे हम ईद मिलाद नबी पे करते हैं राइट, नाते हम ऐसी ऐसी पढ़ रहे होते हैं कि अल्लाह माफ कर दे, और जब वहां से उठ के निकलते हैं तो क्या हमारे अमल होते हैं, सुभान अल्लाह राइट। यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु राइट, अल्लाह जानता है कि यो आप जो है वो इनके रसूल है, तो ये नहीं इन के आप उसके रसूल हैं उनके नहीं, वो किसकी तरफ जा रहा है, आप उसके यानी अल्लाह सुभान व तआला के रसूल हैं, भेजे हुए रसूल हैं जी। तो फिर यहाँ पर इज़ा जाअ कल मुनाफिकूना उन्होंने कहा कालू इन्नका नशी रसूल, ये फिर इसके बाद ये वाली आयत क्यों आई, अल्लाह जानता है क्योंकि उन्होंने जो गवाही दी वो झूठी दी और अल्लाह ताला सच्ची गवाही दे रहे हैं। एग्जैक्टली अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि वो आके कसमें खाएंगे और जो है ना वो आपको यकीन दिलाते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, लेकिन असल में उनके दिलों में क्या चल रहा है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है ना राइट। तो अल्लाह ताला उनको एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का हाल तो नहीं पता था ना जी, तो ये अल्लाह सुभान व तआला जो है वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मुनाफिकीन आपके पास आएंगे, ये गवाही देंगे कि आप जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं राइट, जुबान से वो कह रहे हैं कि हाँ जी आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जब अतात का टाइम आता है तो दे आर नोवेयर, ठीक है, हम सारे उन सीरा में देखते हैं कि कैसे उन्होंने बिहेव किया था, जब भी कोई जहाद या जब भी कोई कमांड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे तो उनका क्या बिहेवियर होता था, जुबान से तो वो कहते थे, वो अब्दुल्ला बिन अबी जो है वो कहते हैं एवरी फ्राइडे खड़ा हो जाता था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे से पहले कि लोगों सुनो ये अल्लाह के रसूल हैं इनकी बात गौर से सुनो राइट, वो जस्ट एक कुछ लोगों को शौक होता है ना माइक पकड़ने का, तो दैट वाज द केस शो ऑफ, तो वो जुबान से तो बहुत कुछ बोलते थे लेकिन अमल में बिल्कुल जीरो थे, और बैक पे जो है ना वो ये जो बात है ना कालू वाली, कालू ये है कि वो मुंह से कह रहे हैं और एग्जैक्टली और अल्लाह ताला या ला मुंह कह रहा है कि मैं जानता हूँ, वो तो कह रहे हैं जानता हूँ, या ब्यूटीफुल, ठीक है, तो अल्लाह यालमु इन्नका अल्लाह ताला जानते हैं अल्लाह ताला को यानी, और ना ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गवाही की जरूरत नहीं है कि हाँ जी आप जाना अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं राइट, उनकी गवाही की जरूरत नहीं थी, तो अल्लाह सुभान व तआला कह रहे हैं अल्लाह ताला आई नो ही नोज के आप जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी गवाही दे रहा हूँ कि ये मुनाफिकीन जो है वो झूठे हैं, ठीक है, तो ये सीन चल रहा है यहाँ पे। मूविंग ऑन, ज़ालिका नहीं सॉरी ये फर्स्ट के सेकंड कहेंगे, ये सेकंड है, इसको मैं ऊपर डाल देती हूँ। हाँ जी, इत्तखज़ू
اتخذوا کچھ اندازہ لگائیں گے یہ کس قسم کا ورڈ ہے؟ اس سمے فیل ہے کیا ہے؟ فیل ہے یہ کیسے پتا چل رہا اس میں جو ہے وہ واو ہے ایگزیکٹلی ایک تو جب یہ الف ہوتا ہے نا لاسٹ میں تو بیسیکلی یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ فیل ہے ٹھیک ہے تو یہ الف جو ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فیل ہے اور پھر یہ واو پہ اینڈ ہو رہا ہے رائٹ تو اس میں بیسیکلی یہ پلورل والا ورژن ہے ہم والا ورژن ہے سو اتخذوا دے ٹوک پاسٹ میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اتخذوا دے ٹوک واٹ ایمانہم اب یہ ایمان نہیں ہے ایمان اور ایمان میں کیا فرق ہے ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے ایمان جو ہوتا ہے قسم اوتھ قسم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی اوتھ کی بات ہو رہی ہے دے ٹوک ایمانہم ایمانہ ہے یہ ٹھیک ہے ایمانہم جنتن یہ بھی نصب میں ہے کیا ٹرانسلیشن ہوگی اس کی they took their oath junnatan as shield as protection protection against what ke wo qasme kha ke jhoote hi qasme kha ke prophet sallallahu alaihi wasallam ko yakeen dilate the aur protection lete the ke against apni munafiqat ke aur yani show karte the ke they are muslim they are with prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam right So اتخذوا they took ایمانہم their oath جنتن as protection as shield ٹھیک ہے چھپ جاتے تھے اس شیلڈ کے اندر اور اپنی منافقت کو ہائڈ کر لیتے تھے قسمیں کھا کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلواتے تھے کہ they are with him and with Islam لیکن اصل حقیقت جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی اب اس پارٹ کو ذرا کریں اتخذوا ہم نے کہا فعلن مادن فائلہ ہم ہو گیا وٹ از ایمانہم استاد ریشما میں کرو جی ایمانہم اپنی قسمیں مفعول بھی ہے ویری گڈ ویری گڈ نتن بھی مفعول بھی ہے ویری گڈ سو انہوں نے پروٹیکشن لی کس چیز کی پروٹیکشن لی ایمانہم تو یہ ایک مفعول ان بھی ہو گیا اور جو ہے نا وہ as what li to ye jo hai na wo bhi maful bhi ho gaya aur ye basically abhi thoda sa advance hai lekin I'm going to drop on you junnatan basically ye bhi kaha jata hai ki ye hal hai hal kiska hai unki oath ka aimanahum ka hal hai like they took their oath as a protection theek hai to qasme kha ke apne aap ko sachcha sabit karte the تو یہ پروٹیکشن جو ہے وہ یہ ان کے جو اوتھ جو تھے ان کا کیا حال تھا کہ وہ ایز اے پروٹیکشن ان کو یوز کر رہے تھے تو یہ اس کو حال بھی کہا جاتا ہے لیکن ابھی ہم وہاں پہ اس وہ پاتھ نہ لیں تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو جس مفعول ان بھی کا لیبل بھی دے سکتے ہیں اچھا اب موو آن فصدو کیسے بریک ڈاؤن کریں گے اس کو ریشما یو کین کنٹینیو وجہ جی سوری گو اہڈ سبیل اللہ فراق مدافع مداخلے پرفیکٹ ٹھیک ہے اب اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی پھر یا پھر تو وہ روکتے ہی اللہ کے راستے سے فصدو جو ہے یہاں پہ عطف جو ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے فصدو اور وہ سٹاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے بار کرتے ہیں اور یہ سدا یا سدو جو ہے نا یہ بیسیکلی
صرف خود ایک ایک دو کام ہے اس کے اندر. اگر آپ لوگ نے فعل لازم اور فعل متعدی کیا استاد جی, آپ نے کچھ کہا تھا فعل لازم یا فعل متعدی ہم نے کیا ابھی یا نہیں؟ نہیں 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 کیا. اچھا, بیسیکلی یہ صدو جو ہے نا, یہ اس قسم کا فعل ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, کہ وہ خود بھی رکے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے رستے سے اور دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے تھے. ایک تو کام ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ خود نہیں کر رہے, لیکن دوسرا گناہ کیا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے. تو یہ صدو میں دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو وہ نہ صرف خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے, جہاد سے اور کسی بھی ہیلپ سے, اسلام کو پھیلانے کے جو بھی رستے تھے ان رستوں سے نہ صرف اپنے آپ کو سٹاپ کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے تھے, ڈونٹ ڈو دیٹ. صدقہ خیرات کا جب ٹائم آتا تھا, جہاد کا جب ٹائم آتا تھا تو کیا ہوتا تھا, بڑے بڑے گروپس کو لے کے نکل جاتے تھے الگ, رائٹ, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے. فصدوا عن سبیل اللہ, تو یہ یہاں پہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں. انہم استاد میں کروں جی, گو اہیڈ. انہم, انا جو حرف نصب ہے, ہم اس کا جو ہے اسم ہو, بے شک وہ سب. سا اب اس کے بن کیا گیا, انہم ساتھ ہی اس کو مبتدا بن گیا, یہ مبتدا بن گیا, مبتدا ہو گیا, ٹھیک ہے. سا کتنا برا ہے, ماں جو کانو ہیں وہ یعملون عمل کرتے. تو اب اس میں یہ جو ہے پوری کی پوری جو ہے نا, یہ اس کی مبتدا ہے, تو یہ پوری خبر بن گئی ہے. ویری گڈ, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ جو ہے کتنا برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اس کے بعد اب جو ہے کانو, یہ فیل ہو گیا, یا ملونا یہ جو ہو گیا فائل ہو گیا اس کا مفعول. صحیح کہہ رہی ہوں نا, میں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں, فیل فائل مفعول ہو گیا اس کا. یہ کانا کے بارے میں یہ تھوڑا سا ایک اسپیشل فیل ہے, اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے, اس کو کہتے ہیں فیل ناقص, رائٹ. تو اسی لیے ابھی ہم اس کو جسٹ ہم اس کو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, بڑا لیبل دے رہے ہیں کہ یہ اس کی خبر بن گئی. باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سا کے لیے بھی ایک اسپیشل, یعنی ہمیں ابھی سیکھا نہیں ہے ہم نے, ہاؤ ایول اور ہاؤ گڈ, سا بی سا نیما, رائٹ, اس قسم کے ورڈس ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. لیکن صرف ایک چیز آئی وانا پوائنٹ آؤٹ اوور ہیئر, کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو میننگس دیتا ہے کہ کوئی کام بار بار ہو رہا ہے, ایک دفعہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اس میں استمرار آ جاتا ہے. استمرار کا مطلب کیا ہوتا ہے, لائک کنٹینیوٹی آ جاتی ہے. ماں کانو یا معلوم, اس لیے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ہاؤ ایول دا تھنگس دے یوز ٹو ڈو, ٹھیک ہے, جو کام وہ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سبحان تعالیٰ ایک دفعہ میں کسی کو بھی نہیں پکڑتے ہیں, رائٹ, کسی کی پکڑ نہیں ہوتی سبحان اللہ, لیکن دے یوز ٹو ڈو اوور اینڈ اوور اینڈ اوور. سو ہاؤ ایول ور دا دیئر ایکٹس, جو وہ بار بار کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کانا کے ساتھ جب بھی فعل مضارع ہوگا تو وہ اس کو میننگ دے گا کہ کوئی کام بار بار ہیبیچوئل ہو رہا ہے, ایک دفعہ میں نہیں ہو رہا, وہ ہیبٹ تھی ان کی, ٹھیک ہے. چلیں, سا ما کان یعملون, یا کچھ جملے فعلیہ ہوگا, سا کے فعل ماضی فاعل ہوا, ما کانو یعملون یہ مفعول بھی ہوگا اس کا. ماں بھی جو ہے نا وہ بیسیکلی اسم موصول ہے, اور اسم موصول بھی جو ہے نا یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. سو مچ گوئنگ آن ان دس سینٹنس, ٹھیک ہے. تو اس لیے جسٹ اس کو ابھی سمپل رکھیں کہ جسٹ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی خبر ہے, ادروائز ٹو مچ گوئنگ آن ان دس سینٹنس, جس کے لیے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, اس لیے میں نا اس کو آپ لوگوں کو مزید نہیں وہ کرنا چاہتی کنفیوز.
ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आया, ज़ालिका दैट इज बी अन्ना हुम. क्यों अल्लाह ताला इतने टफ और इतने जो है ना ओपनली एक्सपोज कर रहे हैं उनको, मुनाफिकीन को, यहाँ पे अल्लाह ताला रीजन दे रहे हैं. ज़ालिका दैट इज बी अन्ना हुम बिकॉज दे आर और दे वर आमनु बिलीवर. एक वक्त था देवर बिलीवर, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने माइट भी जो है ना वो एक दिल के साथ इस्लाम कबूल किया था, राइट. दैट मोमेंट देवर मुस्लिम, दे बिलीव्ड. सुम्मा काफरू, लेकिन फिर क्या हुआ, कुफर कर दिया, काफिर हो गए. ये नहीं हो गया कि इस्लाम नहीं छोड़ दिया, लेकिन जब आपने नबी की या अल्लाह की बात को नहीं माना तो आप काफिर की कैटेगरी में आ गए ना. सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया. फतुबिया, तो फिर क्या हुआ, तुबिया का मतलब होता है सील लगा देना. सो अल्लाह ताला ने सील लगा दी, अला कुलूबिहिम ऑन देयर हार्ट्स फहुम सो दे आर ला यफ़कहून, उन्हें कभी डीपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी इस्लाम की या दीन की या अल्लाह के बारे में. दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. तो अब ज़ालिका के बारे में बताएं, व्हाट डू यू नो अबाउट ज़ालिका? इसमें सारा भाई. ओके, तो अब उस उसके बारे में. हाँ जी, तो ये यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? मुब्तदा. मुब्तदा, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं पे भी वो मुशारों ने ले नजर नहीं आ रहा, राइट. तो ज़ालिका बाय इटसेल्फ यहाँ पे फिर मुब्तदा बन रहा है. फिर बी अन्ना हुम क्या है? व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज बी अन्ना? हर्फ नसब होगा हमें. हाँ जी, हर्फ नसब है और फिर हुम जो है वो उसका भी अन्ना है. तो टुगेदर दे आर अनदर मुब्तदा. तो बेसिकली यहाँ पे दो मुब्तदा आ रहे हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बी को वो हर्फ जर्ब है और फिर अन्ना हुम, इज इट लाइक अन्ना हुम एक्टिंग एज अ मजरूर? दिस इज बी अन्ना. बी अन्ना भी अन्ना की तरह एक वो है हर्फ नसब. हाँ जी, लेकिन एक्चुअली दिस इज हर्फु जर बेसिकली. फीमेल जर. लेकिन अभी आप जस्ट बी अन्ना को बी अन्ना ही रखें. हमारे लिए तो बी अन्ना है. हाँ, बी अन्ना ही रखें, लेकिन एक्चुअली दिस इज बाहर को जर. ठीक है, तो शॉकिंग न्यूज होगी, तो इसलिए अभी इसको बस. दिस इज शॉकिंग. तो ये बी अन्ना, इसका मतलब बिकॉज के मीनिंग में आ रहा है. बी अन्ना हुम बिकॉज दे आर. सो ये इकट्ठा मुब्तदा बन गया. तो दो मुब्तदा हो गए. जब दो मुब्तदा होते हैं तो इसका मतलब है इट्स वेरी एम्फसाइज्ड सेंटेंस, राइट. ज़ालिका दैट इज बी अन्ना हुम दैट इज बिकॉज दे आर, राइट. सो अल्लाह सुब्हानहु तआला यहाँ पे रीजन देते हैं कि ऐसे ही नहीं मैं किसी पे मोहर लगा देता या ऐसे ही नहीं मैं किसी को लेबल कर देता. देयर आर सर्टेन रीजंस. सो अब आगे आमनु क्या कर रहा है यहाँ पे? आमनु फेले फेले मादी फाइलुहु हुम. ये एंड सुम्मा जो है हर्फ कंजंक्शन. कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ. ये जुमला फेलिया क्या कर रहा है यहाँ पे? जुमला फेलिया. ओ आई सी, जुमला फेलिया विल बी लाइक इट विल बी हर्फ, इट विल बी खबर इन्ना. वेरी गुड. ठीक है, तो ये खबर ज़ालिका की खबर कह दें. हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं. हम इसको कहें कि ज़ालिका इज मुब्तदा और पूरा भी अन्ना हुम आमनु, इस पूरे सेंटेंस को हम कह दें कि ये खबर है, खबर ऑफ ज़ालिका. जुमला इस्मिया कमिंग एज ए खबर ऑफ ज़ालिका. या फिर हम इसको जो है ना वो दो मुब्तदा जैसे अभी हमने किए हैं. ठीक है, अगर हम इसको पूरे को खबर बना रहे हैं, फिर हम फर्दर ब्रेक डाउन उसी तरह से करेंगे कि बी अन्ना हुम उसकी खबर हो गई और आमन, सॉरी, बी अन्ना हुम उसका मुब्तदा हो गया, आमन हो खबर हो गई. राइट राइट. ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं. I see. Two separate mubtadas or one mubtada and pura, all, tab, anna hum, ke aage puri khabar ho gayi.
सुम्मा जो है जी सॉरी हाँ सुम्मा जो है हर्फे अतफ है और कफरू जो है फेल मादी फाइलु हुम है तो बेसिकली ये जुमले जो है ना ये मतूफ इला है आमनू पर काफरू वेरी गुड वेरी गुड क्या कहा तो ये सुम्मा अब ये देखें अतफ आया ना और हमने हम देखते हैं कि जो अतफ के बाद जो भी इसम हो या सेंटेंस हो या फ्रेज हो दैट शुड गो बैक टू समवेयर जो उससे पहले था सेंटेंस राइट तो अब ये काफ़रु कहाँ पे जा रहा है किसके साथ ये मातूफ हो रहा है पीछे वाले जुमले से बेअन्नम का पूरे जुमले से हो रहा है जी नहीं नहीं आमनु से आमनु से हो रहा ठीक है आमनु से हो रहा है आमनु भी जुमला फेली है और काफ़रु भी जुमला फेली है राइट तो वो जुमला जुमले के साथ होता है एक इसम दूसरे इसम के साथ हो सकता है या समटाइम्स एक वर्ड जो है वो पूरी फ्रेज के साथ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे वो परफेक्टली जुमला फेलिया के साथ मातूफ हो रहा है ठीक है सो सुम्मा यहाँ पे अतफ काफरू मातूफून अला टू आमनू हो गया और फिर आगे बोलें फतूबिया कफर अब ये पूरा का पूरा जो है आमनू सुम्मा कफरू ये वर्बल सेंटेंस है एंड दैट विल बी लाइक अ खबर सेंटेंस सॉरी जो ये जुमला फेलिया हो गया ना आमनु सुम्मा कफरु ये वर्बल जुमला फेलिया है ठीक है वेरी गुड हाँ हम उसको अतफ कर रहे हैं तो ये हम पूरा भी कर सकते हैं ठीक है जी जी पूरा जो है ना ये मुब्तदा खबर हमारी बन गई राइट एग्जैक्टली खबर ना अच्छा 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 अब फिर जालिका का रोल ये है कि जालिका बेअन्नहुम आमनु सुम्मा कफरु मे बी होल जुमला इस्मिया विल बी खबर जालिका हो सकता है होल जुमला से इट अगेन ये जुमला इस्मिया बेअन्नहुम आमनु सुम्मा कफरु या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ये पूरा जो है आप इसको एज ए खबर ऑफ दिस जालिका ले सकते हैं राइट टू मेनी थिंग्स हियर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी क्योंकि अब अतफ और मातूफुन अला बेसिकली वो वन बकेट हो सकते हैं ना जी बिल्कुल राइट तो इसलिए वो पूरा सारा कनेक्टेड है तो ये जालिका हम इसको मुब्तदा कहेंगे बिअन्नहुम आमनू सुम्मा काफरु द होल थिंग कुड बी द खबर ऑफ दिस मुब्तदा और फिर अगर हमने दूसरे तरीके से करना है तो हम कहेंगे जालिका इज वन मुब्तदा बिअन्नहुम अनदर मुब्तदा और फिर आमनू सुम्मा काफरु ये इसकी खबर हो गई बिअन्नहुम की मैं कह रही थी फतूबिया ये भी तो आगे आ गया ना ये भी वो नहीं बन गया नहीं ये यहाँ पे फा जो है ये अतफ नहीं है बल्कि यहाँ पे ये फा जो है वो फा सब रीजनिंग दे रहा है ये एज ए रिजल्ट ठीक है जब उन्होंने ईमान लेके आए और फिर कुफर पे उतर आए राइट तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ फतूबिया आला कुलूबिहिम तो अल्लाह ताला ने उनके हार्ट्स पे जो है ना वो सील कर दिए फतूबिया सील लगा दी राइट तो ये यहाँ पे फा जो है ना इसको हम अतफ नहीं लेंगे बल्कि अतफ या फिर या इसकी नाफिया के मीनिंग या उसके मीनिंग में भी आता है तो ये बेसिकली उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा हम इसको ये नहीं कहेंगे कि फतूबिया जो है ना वो मातूफुन अला टू समथिंग हो रहा है राइट वो सीन नहीं है क्योंकि अतफ जो है वो समटाइम्स कैन स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस एज वेल ठीक है तो वो हमेशा कनेक्ट नहीं होता वो हमें चेक करना पड़ता है कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा लेकिन अतफ जो है जैसे इंग्लिश में या उसमें हम एंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं राइट लेकिन अरेबिक में अतफ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है न्यू सेंटेंस जी ठीक है तो यहाँ पे वो केस आप समझ लें कि ये एक नया सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रहा है और अल्लाह ताला यहाँ पे रीजन दे रहे हैं कि फतूबिया आला कुलूबिहिम इन सब हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी
अच्छा ये जो खबर है जालिका कैन बी से फी महल रफा जुमला इस्मिया फी महल रफा नहीं फी महल तो नहीं क्योंकि जालिका तो रफा ही है ना मुब्तदा है जालिका इज ऑलवेज रफा ओके उसकी डिफॉल्ट जो है वो यानी प्रॉपर है और वो रफा में काउंट होते हैं राइट ओके थैंक यू हां जी फतुबिया कौन कर रहा था इस कंटिन्यू प्लीज करूं साजा जी गो अहेड जी फतुबिया तो फिर मोहर लगा दी एंड रिजल्ट के तौर पर मोहर लगा दी ये फेल उन मादी फाइलो हु हुआ अच्छा एक मिनट रुक जाएं जरा जी जी तुबिया कोई भी फेल मादी उस से स्टार्ट होता है नहीं हम पैसिव कर लिया मैं हमने पैसिव नहीं किया ये लेकिन ये हाँ ये पैसिव आई ठीक तो अब ये बेसिकली ये पैसिव है क्यों क्योंकि फेल मादी हमने अब तक जो भी सीखा है वो उ से नहीं स्टार्ट होता राइट हाँ, अगर ये उ से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली ये पैसिव है ठीक है क्योंकि अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला की शान है ठीक है ये हम देखते हैं थ्रू आउट इन कुरान पाक में हमारे अंबिया किराम और इवन सूरत जीन में भी देखे ना कि जब भी कोई बात होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बहुत ब्यूटीफुल अंदाज में कुरान पाक में जब कहा कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शफा देते हैं राइट तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जब अल्लाह ताला मुझे बीमार करते हैं तो वो मुझे शफा देते हैं लेकिन जब हदायत की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हदायत देते हैं तो हम हर अच्छी बात को अल्लाह ताला से क्रिएट करते हैं लेकिन जो कोताही होती है वो हमारी होती है एग्जैक्टली और नहीं गलती कोताही के अलावा अगर कोई जो है ना कोई ऐसा काम नहीं बेसिकली कोई ऐसा कोई क्लैमिटी है राइट हम बाजों का उस पर कॉमेंट कर देते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है भाई हमें उसकी हिकमत का नहीं पता हमारा क्रिएटर नोज व्हाई इट इज हैपनिंग राइट तो ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो कोई भी अगर जो चीज हमें समझ में ना आ रही हो या जो कोई हमें कुछ लग रहा है कि दिस इज नॉट राइट तो हम उसको अल्लाह से एसोसिएट नहीं करते तो यहाँ पे वही पैसिव यूज समटाइम्स इसीलिए यूज किया जाता है कि जब डूअर को अननोन रखना हो तो यहाँ पे ब्यूटीफुली अल्लाह को यहाँ पे अननोन रखा गया है अदरवाइज वी नो के दिलों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही या तो ओपन कर सकते हैं या सील लगा सकते हैं राइट नो वन एल्स कैन डू इट लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको जो है वो अननोन रखा गया फतू भी आला कुलूबिहिम तो फिर उनके हार्ट्स को सील कर दिया गया अच्छा मुझे यहाँ पे एक सवाल है तफसीर के इसमें जैसे बोला मैं खत्म अल्लाह वहाँ पर भी अल्लाह ने वहाँ पर तो अल्लाह ने सील लगा दी खूबिया सील लगाई गई ना ये भी सील है फर्क क्या है खत्म और उसमें खूबिया खत्म भी तुबिया और एक और वर्ड भी है मैं बताऊंगी ये उस्ताद नुमान ने इस पे ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तू भी या तो पता नहीं उसमें है या नहीं लेकिन खातमा और एक और वर्ड उन्होंने लेके तो उनको कंपैरिजन किया था रादिफुल कुरान से ना दैट इज ब्यूटीफुल एक है कि वो आप जैसे कोई सील करते हैं किसी चीज को ना कोई कार्क वगैरह या लगा के खुलेगी नहीं तो को हाँ जी कोई चीज जो है ना वो अंदर से बाहर आ रही है ना बाहर से अंदर जा सकती है राइट completely seal जी तो वो इस किस्म का कॉन्सेप्ट है मुझे अब पूरी तरीके से याद नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मैं फाइंड करूंगी अगर मुझे मिला तो आई वुड एक्सप्लेन ना उसमें जो है वो बाकायदा कहा गया है ना अल्लाह ने सील लगा दी खत्म अल्लाह इसमें जो है ना मेंशन नहीं जैसे है तो सही अल्लाह ने क्या फतुबिया लेकिन जो है वो हां एग्जैक्टली वहां पे अल्लाह ताला ने अपने आप को मेंशन कर किया है कि हां ना मैंने सील लगाई लेकिन यहाँ पे नहीं किया लेकिन मोस्टली आप कुरान पाक में देखेंगे कि जहाँ पे भी कोई इस तरह का वो हो अल्लाह ताला जो है वो यानी जी जी, जी वो और हमें भी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा ही करना चाहिए जब भी हम ऐसे जाएं या तो एग्जैक्टली जैसे खुदा ना खास्ता कोई किसी यंग बच्चे की डेथ हो जाती है तो हम
پیرنٹس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کیوں کر دیا اور یہ, اور یا پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارے جانے کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں لے لیا, رائٹ؟ تو وی ڈو ناٹ نو دا حکمہ بہائنڈ اٹ. اب باتوں میں بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. ایگزیکٹلی, تو اس لیے ہمیں اس قسم کے ورڈس جو ہیں وہ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. سورت کاف میں وہ جو بچہ تھا وہ نیک ماں باپ کا بیٹا تھا تو وہ لے لیا. ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ وہ دیکھو حضرت خضر علیہ السلام ان کو نالج دیا گیا تھا اور جب انہوں نے وہ لاجکس پیچھے بتائیں کہ یہ یہ ریزن تھی ان کاموں کے پیچھے تو دیٹ میک سینس. لیکن ہمارا دماغ جب ہم کوئی ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہمارا دماغ تو وہاں تک نہیں جائے گا نا. تو اللہ نوز آل حکمہ, تو اس لیے ہمیں اپنی زبان جو ہے, ہم تو عبد ہیں, عبد کا تو کوئی اسٹیٹس ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی اپنی کیا کہتے ہیں ان پٹ دے سکے, رائٹ؟ تو اس لیے ہمیں اپنے زبانیں اپنی ماؤتھ جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنے چاہیے بیفور وی سے اینی تھنگ. فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون, ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ان کے دلوں پہ سیل لگ گئی ہے, ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا, لا یفقہون, دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ. سو ہم قرآن کی آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کیا کہتے ہیں شرح صدر کر دیتا ہے کسی کا اپنے دین کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, رائٹ؟ تو اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور قرآن میک سینس ٹو اس, رائٹ, ہمیں مزہ آنے لگتا ہے اس کو پڑھنے میں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی لے کے آئے, تو دس از دا بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مہر لگا دے اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے, رائٹ, سن کے بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں. وہی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں, تو یہ ہم اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھ لیں, کیا ہم نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ بیچ دی جنت کے عوض کہ نہیں. اس سوال اگر اپنے آپ سے کریں نا, کیا ہم اس طرح ہے کہ ہم نے اپنی جان بیچ دی اللہ کے جنت کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ ہم نے دونوں کی جانیں جنت کے عوض خرید لی. بالکل بالکل بالکل, ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جانا ہو سب کچھ اپنا, اسلام ایک طرف اور دنیا ایک طرف, سبحان اللہ. ابھی کوئی شادی ہو تو دیکھیں ہم کیسے تیار ہو کے نکلتے ہیں, پھر کوئی اسلام نہیں ہے, یہ ہماری شادیوں میں دیکھ لیں سبحان اللہ کیا کیا ہم نہیں کر رہے. اسلام کا کون سا ایسا کیا کہتے ہیں, یعنی یہ نہیں سوچتے کہ یہ خوشی کا موقع ہے, تو اگر یہ خوشی ہم سے چھن جائے, ہم اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے ہم اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی کو خوشی میں رکھے. بالکل, ایک ایسا خطرناک موڑ ہوتا ہے کہ آپ جمپ کر رہے ہوتے ہیں ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں, وہاں پہ تو اللہ کی رضا کی اتنی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ وہ دنیا جہاں کی دھجیاں بھی گرتے ہیں نا ہم لوگ. بالکل, اس کے انجام بھی پھر عجیب و غریب ہوتے ہیں پھر. بالکل, صرف بچوں کے لیے وہ, ابھی جو ہم یہ شرک کر رہے تھے یہ بھی تو شرک ہے نا, جب ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے کر دیتے ہیں. بچوں نے کہہ دیا چلو جی بچوں کی بات سن لو, ہسبینڈ نے کہہ دیا ہاں جی چلو جی ہسبینڈ کہہ رہے ہیں, تو وہ بس لوگوں کی باتیں سنتے جاؤ اور اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو پیچھے ڈال دو, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جب نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا, لا الہ الا اللہ پہلا تو جملہ وہی نہیں ہم نے پڑھا ہوا, تو آگے جو اتنے سارے اللہ جو ہیں وہ ساتھ لے کے تو پھر لا الہ تو نہیں ہوتا. بالکل بالکل بالکل, وہ بلکہ ایک بیوٹیفلی کوئی ایکسپلین کر رہا تھا کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا جائے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے نا وہ دوسری طرف جا کے آپ کے کسی آپ کی نیند بنتی یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہو اسی طرح سے, تو آپ کی نہ تو آپ اس بندے سے ملنا چاہیں گے, رائٹ, نہ ہی اس کی کوئی ریسپیکٹ ہوگی, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کریئٹر, جو ہمارا رازق, جو ہمارا مالک, جو ہمارا خالق سبحان اللہ,
और फिर हम जो है ना वो एक मिनट अपने जब मसल्ले पे बैठे तो चलो ठीक है, अल्लाह ताला वो भी कैसी नमाजें पढ़ते हैं ये अल्लाह ही जानता है राइट, और जैसे ही मसल्ले से उठे तो बस फिर कहाँ हमारा अल्लाह और कहाँ हम राइट, तो कौन सी फिर रिस्पेक्ट और कौन सी हम नुसरत अल्लाह ताला से चाहेंगे इस तरह के बिहेवियर के साथ। एक चीज आपसे कहनी थी, जब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो फतुबी आला कुलूबीम फाहुम लाइफ का हुन, इसकी ट्रांसलेशन करते हम कहेंगे कि ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे करेंगे कि मोर लगा दी गई है, मोर लग गई, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे फतुबी, यानी वो फाइल गायब है कहीं, तो फाइल डिसअपीयर, हां जी, तो उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई, किसने लगा दी ये नहीं मेंशन किया ना। जी जी जी, तो ऐसे करेंगे लगा दी गई इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम कम होता है, या तो फिर इसको जल्दी से कर लेते हैं, 5 मिनट्स ले लो आप लोगों के, 5 मोर मिनट्स। जी 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 सही है, चलें इसको जल्दी से कर लेते हैं। ओके, वाइदा राइता हूँ, और जब राइता, अब ये ता जो है वो विद फतह हमें क्या बता रहा है, कौन है यहाँ पे, अंता है ठीक है। वाइजा राइता हूँ, और जब आप उनको देखेंगे, देखते हैं राइट, देखते हैं कि ज्यादा मीनिंग यहाँ पे आएगा, इवन तो ये पास्ट है ठीक है जी। जब आप उनको देखते हैं तू जीबू का ये आ जाबा यू जीबू के, यानी आ जाबा इसका मादी है और यू जीबू इसका मुद्दारिया बनेगा, और तू जीबू का क्या हो जाएगा, या तो ही है या अंता वर्जन है राइट। तू जीबू का अजसामू, कोई कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रफा की सूरत में है तो, हाँ तो ये इसका अजसामुहुम जिस्म से है ना, फिजिक से है। सो जब आप उनको देखते हैं तू जीबू का अजसामुहुम, तो उनकी फिजिक जो है वो आपको अमेज करती है ठीक है, उनका फिजिकल लुक, दे मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट इन फिजिकल लुक, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि जब आप उनको देखते हैं तो आप उनके फिजिकल लुक से इंप्रेस हो जाते हैं। तो ब्रांडेड लुक, जी ब्रांडेड लुक। सो तू जीबू का अजसामू बेसिकली यहाँ पे इसका फाइल बन रहा है तू जीबू का, और ये ही वर्जन है राइट। सो तू जीबू का अजसामू, उनकी फिजिक जो है वो आपको इंप्रेस करती है। वाई या कूलू, एंड व्हेन दे से, जब भी वो कोई बात करते हैं ठीक है, तस्मा यू लिसन लिकौलिहिम, उनकी बातों को, यानी वो बोलने में भी बड़े एलोक्वेंट थे राइट। हमें पता है आजकल भी हम देखें तो हम इन कुफार से कितना इम्प्रेस होते हैं राइट, उनकी बातें कैसे दुनियावी लिहाज से लॉजिकल राइट, तो वी गेट इम्प्रेस। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उनके अजसाम, उनकी फिजिकल लुक, उनकी बोलने का स्टाइल राइट, वो सब इम्प्रेसिव है। वही यकूलू तस्मा लिकौलिहिम, और जब आप वो आपसे बात करते हैं तो आप उनकी बात को गौर से सुनते हैं, इम्प्रेस होके सुनते हैं ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला अंदर का हाल बता रहे हैं, का अन्नहुम एज दो दे आर ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, एज दो दे आर खुशुबुम मुसन्नदा, लेकिन उनकी असल हकीकत क्या है कि वो खुशबू मुसन्नदा, वो इस किस्म की, वो एक लॉग की तरह है, लॉग जैसे आप
एक मोटा सा लकड़ी का डंडा जैसे कोई वो पिलर टाइप नहीं बड़े से लॉग होते हैं या उसका एक दरख्त का तना जो है ठीक है जिसको आप लोग जो है वो घर बनाने के लिए भी यूज करते हैं तो खुशू वो मुसन्नादा तो वो उस तरह से है जैसे कि एक टिम्बर कह लें या लॉग कह लें राइट क्यों ये टिम्बर या लॉग की मिसाल यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है डड अंदर से खोखले डड अंदर से खोखले ठीक है यूजलेस असर नहीं होता उनके ऊपर असर नहीं होता किसी चीज का उनके ऊपर लॉग जो है ना जैसे ट्री जो होता है वो एक यूजफुल वो है राइट हम उसको यूज करते हैं बहुत सारे फायदे ट्री के उठाते हैं लेकिन जब एक लॉग बन जाती है तब उसका क्या फायदा रह जाता है बेकार हो जाता है बेकार हो जाती है राइट या तो उसको और वो ऐसी लॉग है कि अंदर से भी वो जो है ना वो वीक है ठीक है एक तो है ना कि चलो आप उस लॉग को उसके लिए यूज कर लेंगे एज ए पिलर के तौर पे कोई यूज कर लें कोई अपनी फेंस बनाने के लिए यूज कर लें राइट लेकिन वो अंदर से भी खोखले हैं तो वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए यूज हो सकते हैं कोई बताएगा क्या मकसद हो सकता है जलाने के लिए जलाने के लिए सुभान अल्लाह राइट का अन्ना हम खुशबू मुसन्ना था कि वो उनका कोई भी मकसद नहीं रह गया जस्ट वो जलाने के काबिल रह गए हैं नौज़ बिल्ला सो एक हिपोक्रेट जो है ना वो उसकी औकात ये है कि वो बस जहन्नुम की आग ही बन सकता है और कोई उसकी वर्थ नहीं है यहसबूना दे थिंक कुल्ला सईहतिन अलैहिम अच्छा फिर कोई भी बात हो रही हो कोई भी कोई खुतबा दिया जा रहा हो कोई भी हल्का हो राइट तो उनको ऐसे लगता है कि हर बात जो है वो उनके लिए कही जा रही है क्योंकि अंदर दिल में चोर होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका तो वो उनको ऐसे लगता है कि हर बात हमारे लिए हो रही है तो और अगर हम सीरा को देखें तो दैट इज लिटरली कि वो समटाइम्स वो अब्दुल्ला बिन अबी जो है ना वो उठ के चला जाता था कि उसे ऐसे लगता था कि उसकी तरफ देखा जा रहा है तो उसके लिए बात की जा रही है और वो नाराज होकर चला जाता था राइट तो या सबूना कुल्ला सईहतिन अलैहिम वो समझते हैं या उनको लगता है या वो थिंक करते हैं कि हर खुतबा या हर बात जो है वो अगेंस्ट अलैहिम अगेंस्ट देम है उनके लिए कही जा रही है हुमुल अदू हुम दे आर उदू दे आर दुश्मन दे आर एनिमी enemy of who enemy of islam enemy of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam right and believers fahzar hum ab yahan pe nasihat ki ja rahi hai to as a result tumne kya karna hai ihzar hota hai bach ke rehna right so fahzar hum unse bach ke raho qatalahumullah ab ye qatala jo hai na ye basically yahan tak qatala ये फेल मादी है फाइलुहु हुआ ठीक है कातला हुमुल्लाहु मे अल्लाह डिस्ट्रॉय देम एक तो वर्ड होता है ना कतल कातला ठीक है ये है कातला किल करना फिर एक और बाब के अंदर ये बन जाता है कातला फाला के पैटर्न पे राइट कातला का मतलब होता है टू फाइट लेकिन यहाँ पे फाइट के मीनिंग में नहीं आ रहा है यहाँ आ रहा है और फेल मादी जो है ना दुआओं में भी यूज होता है जैसे हम कहते हैं जजाक अल्लाह अब जजा क्या है यहाँ पे ये वर्ड ये फेल उन मादिन फाइलुहु हुआ है ठीक है ये द वर्ड अल्लाह यहाँ पे उसका आउटसाइड डूअर है और ये का जो है इसका मफूलुन भी ही है राइट क्या है इसकी ट्रांसलेशन जजाक अल्लाहु मे अल्लाह रिवॉर्ड यू ठीक है और इसके साथ खैरन कसीरा भी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि जजा तो है वो कोई बुरी भी हो सकती है
और अच्छी भी हो सकती है, राइट. तो हमें उसके साथ जब हम किसी को दुआ दे रहे हैं तो हमें खैरन लगाना जरूरी होता है, जजाकल्लाहु खैरन कसीरा. लेकिन पॉइंट यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कि जजा जो है ये फेल उन मादिन फाइलहू हुआ है, और फेल मादी जो है वो दुआओं में भी इस्तेमाल होता है. तो कातलहुमुल्लाह, अगर इस पैटर्न पे हम इसको देखें तो क्या बनेगा, ये अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया नहीं, डिस्ट्रॉय किया, कत्ल कत्ल नहीं ना, वो तो कातल है, कातला तो फाइट के मीनिंग में आता है, लेकिन यहाँ पे फाइट के मीनिंग में भी नहीं आ रहा. अल्लाह इन्हें गारत करे, अल्लाह इन्हें गारत करे, डिस्ट्रक्शन के मीनिंग में आ रहा है कि मे अल्लाह डिस्ट्रॉय देम, गारत करे, ठीक है, मे अल्लाह डिस्ट्रॉय देम. अफाक अल्लाह क्या मतलब होता है, अफाका अल्लाह माफ करे, राइट, या आफियत के मीनिंग में भी आता है. तो अफा ये जो वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है अफाक अल्लाह, ये भी दुआ है ना जी. सो मे अल्लाह गिव आफिया टू यू, अफाक अल्लाह. बारक अल्लाह हम कहते हैं, ये तो ये भी वही उसी तरह से आ रहा है, बारक मीन बरकत देना, अल्लाह मे अल्लाह खुद बारक बारक अल्लाह, ठीक है. तो ये सारी जो है वो फेल मादी जो है वो दुआ में भी यूज होता है. तो कातलहुमुल्लाहु मे अल्लाह डिस्ट्रॉय देम. अन्ना युफकून, हाउ दे युफकून यहाँ पे मीनिंग में आएगा के कैसे फिरे जा रहे हैं सजा, इसको कहते हैं ना युफकून, असल बात से हट जाना, एक झूठ से है ना, जैसे रहता है एक है असल बात से, फिर लाइक कोई नई चीज फैब्रिकेट करना असल बात को मोड़ तोड़ देना कुछ. एग्जैक्टली. सो हाउ दे आर मादी में जूली है ना, ये जो है भी युफकून, नहीं ये अन्ना युफकून, युफकून में जूली नहीं है, आफका युफिको, या इट शुड बी युफको बट इट इज युफकून, यस इट इज मजूल, ठीक है. फिर जाते होंगे ना, फिर जाते हैं, ऐसा होगा फिर इसका. अन्ना फकून हाउ दे, क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है कि वो कहाँ से फिरे जाते हैं, कहाँ से वो फिरे जा रहे हैं. मैं गॉट कंफर्म द हाउ डीवियस दे आर. अच्छा इन्होंने तो ट्रांसलेशन ही डिफरेंट किया. अन्ना युफकून मजूल में नहीं है, दूसरे सेंस में नहीं, ये मजूल नहीं है, मजूल नहीं. ठीक है तो ये इसका अब थोड़ा सा क्विकली वो देख लेते हैं ब्रेक डाउन. इज़ा यहाँ पे ज़र्फ है, राइट, और फिर राइता हूँ तो उजीबो का अजसाम हूँ, तो ये पूरा जुमला फेलिया जो है वो उसका मुदाफिल ही बन जाएगा. और फिर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये तो ऑलरेडी हमने वैसे कर ली है, फिर उन्मादिन फाइल हुआ है, हम उसका मफूल उन भी ही है, तू जीबू का इस आईता हूँ, अब आप देखें जब आप उनको देखते हैं, तू जीबू का सामू हूँ, तो ये तू जीबू का सामू हूँ क्या, इसका कैसे इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं आइडिया, आप देखते हैं क्या देखते हैं, तू जीबू का सामू हूँ, तो बेसिकली ये उसका मफूल भी हो सकता है, राइट, जुमला फेलिया जो है वो उसका मफूल बन रहा है, तू जीबू का सामू हूँ. और फिर वा इन यकूलू, इन जो है ये यहाँ पे शर्त के मीनिंग में भी आता है, जब आप जब वो आपसे बोलते हैं. अब यहाँ पे देख रहे हैं यकूलू क्या, व्हाट इज मिसिंग, ये रेगुलर है या कुछ वियर्ड है यहाँ पे, हेलो
रेगुलर नहीं है, बियर्ड है कुछ. मज़ूम हो गया इन्ना की वजह से जी, इन की वजह से, नॉट इन्ना, इन सॉरी इन, ठीक है. हाँ जी, तो ये मज़ूम है. तस्मा लिकौलिहिम, तो बेसिकली ये जुमला शर्त ये है, राइट, जब आप उनको देखते हैं, तस्मा सॉरी उनको सुनते हैं, तस्मा लिकौलिहिम, और आप उनकी बात को गौर से सुनते हैं. आप ये देख रहे हैं, एक मज़ूम ये है और एक मज़ूम ये है, तो ये इन जो है वो दो फेल को मज़ूम करता है. पहला जो है वो बेसिकली उसका शर्त पार्ट हो जाता है कि अगर ये पहला पार्ट होगा तो फिर जो है वो देन वाला पार्ट आएगा, राइट. तो जब वो बोलते हैं तब आप क्या करते हैं, आप उनकी बात को इम्प्रेस होके सुनते हैं, राइट. तो ये इफ एंड देन वाला सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट इन या कुल्लू इफ वाला पार्ट है, और तस्माली कौलिहिम देन वाला पार्ट है. फिर उसके बाद का अन्ना हुम, कान्ना हुम मुक्तदा बन रहा है, राइट, कान्ना प्लस उसका इसम, और फिर खुशुबू मुसन्नदा उसकी खबर हो गई, और ये मौसूफ सिफा भी है, राइट. फिर उसके बाद यह सबूना फेलुन मुदारियन फाइलुहु हुम हो गया, कुल्ला सहीहतिन अलैहिम, ये कैसे रिलेटेड है, मफूल है उसका, ठीक है. दे थिंक व्हाट, कि हर बात जो है वो उन्हीं के लिए कही जा रही है. हुमुल अदू, हुम जो है वो मुब्तदा हो गया, अदू उसकी खबर हो गई, ठीक है, ये इकट्ठे हो गए. फाहजर हुम, अब उसको ये एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, नसीहत हो रही है यहाँ पे. फाहजर हुम सो बी केयरफुल फ्रॉम देम, राइट. सो फाहजर जो है ये अमर है, और वो जो हुम जो है वो उसका मफूल भी ही हो रहा है. तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, किससे, हुम से. फिर कातला हुमुल्लाहु, ये हम इसको कहेंगे कि ये फेलुन मादी लिदुआ के लिए आ रहा है. हुम क्या है, उसका मफूलुन भी ही है, द वर्ड अल्लाह जो है वो उसका फाइल है, राइट. और अन्ना यूफकून, अन्ना जो है ये बेसिकली यहाँ पे इसम इस्तफाम के मीनिंग में आ रहा है, लाइक काइंड ऑफ ताज्जुब के मीनिंग में, कि हाउ फूलिश, हाउ स्टूपिड दे आर, के वो इस तरह की इफ कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन के मीनिंग में भी आ रहा है. और यूफकून दे फैब्रिकेट, मैंने यहाँ पे पैसिव लिखा है, अब मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि इट इज पैसिव और नॉट, मुझे लग तो नहीं रहा. अदर ये पैसिव है, आफाका यू आफाका या फिकु है, तो आफाका यू फिकु होना चाहिए, दैट मेक्स सेंस. लेकिन आफिका या फिकु है ना, ये दराबा फैमिली से आ रहा है, आफाका असलमा फैमिली से आ रही है. या श्योर, या आफाका आफाका और फिर ये यू, क्योंकि वो तब वो यू लेता है, ये फैमिली राइट राइट, यू फिकू होना चाहिए. और फिर यू फा है ये, तो इसका मतलब है वो पैसिव है. लेकिन exactly. ये इसके ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इशू आ रहा है जब हम इसको पैसिव करते हैं. अन्ना ये ट्रांसलेशन जो लिखी हुई है ना, इसमें लिखा है कि कहां से वो फेरे जाते हैं. How are they deluded? How are they deluded? Oh, अच्छा, ठीक है. ये तो पैसे भी है. पैसे भी लिखा हुआ है ट्रांसलेशन. हाँ, पैसे भी रहे. हाँ, ट्रांसलेशन में भी पैसे भी है. हाँ. वो किस तरीके से फेरे जाते हैं, something like that. अपने रास्ते से. How they are deluded by? How are they deluded? Yeah. Question mark है. हाँ जी, ये question की तरह से है, ठीक है. तो ये यहाँ पे इसकी translation ऐसे कर लें. How? Sorry. How are they deluded? तो ये मेरी पेंसिल बार बार जाना. So, how are they deluded? ठीक है, अभी now make sense. चलें जी, इंशाल्लाह. How are they being diluted? Being भी कह सकते हैं.
yeah, how they are being deluded will make more sense kyunki humne isko passive karna hai. How are they being deluded? Jazakallah khair. ठीक है, तो ये पैसिव अगर हम इसका करना चाह रहे हैं तो हाउ दे आर बीइंग डिलूडेड विल मेक मोर सेंस. अच्छा, आप जरा थोड़ा ये देख लें कि होमवर्क क्या है आपका. होमवर्क आपने कोई सी टेन ऑफ आर लेने, पहले तो ये जो हमने आयतें की है ना इसको आपने खुद करना है, ठीक है, इसके इराब करने, इसके ट्रांसलेशन करनी है. यू शुड बी गुड एट उसके इराब शराब में, सारा आपको परफेक्ट होना चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है. और सेकेंडली आपने कोई से टेन ऑफ आ लेके उसकी आपने कंजुगेशन करनी है, फिल मादी फिल मुदारिया दोनों की करें. यहाँ पे मैंने सिर्फ मुदारिया लिखा है लेकिन सिंस मादी भी आपने किया हुआ है तो दैट शुड बी योर कहते हैं प्रैक्टिस, के जब भी आपने कंजुगेशन करनी है तो मादी भी करें मुदारिया भी करें और जैसे जैसे और चीजें हम सीखते जाएंगे वो सब उसके अंदर ऐड करते चले जाना है, ठीक है. تو ان شاء اللہ ود دیٹ وی کین اینڈ آور سیشن. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی الذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین.